नमस्कार दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल सीमा मुकेश 07 में आपका स्वागत है। और हम बरनी गांव के अंदर अभी खड़े हुए हैं, यहां से रवाना हो रहे हैं जो नक पब्लिक माध्यमिक विद्यालय बरनी, और हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी। तो हम आपसे आप हमसे जुड़े रहें, इसलिए आप हमारा जो सीमा मुकेश 07 यूट्यूब चैनल है उससे जुड़े रहें और हम आगे आपको दिखाते रहेंगे। वहाँ से हम आगरा के लिए भी निकलेंगे, तो वैसे बीच बीच में हम लाइव देते रहेंगे, है ना। नमस्ते, ये मुकेश जी हैं, ये आशाराम जी हैं हमारा स्टाफ, और ये मोनू भैया हैं। तो हम तीनों चारों लोग घूमने जा रहे हैं आज, मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल रहे हैं बरनी से। अभी हम खड़े हुए हैं रौनक पब्लिक स्कूल माध्यमिक विद्यालय बरनी में। ये हमारे राकेश जी संचालक हैं, उनकी गाड़ी है बलेनो, इसी में जा रहे हैं हम सब लोग। और हमारे जो हमारा यूट्यूब चैनल है सीमा मुकेश 07, उससे जुड़े रहें और लाइव देखते रहें। थैंक यू। हम आगरा जा रहे हैं, वहाँ से फिर वापस कर देंगे। अच्छा ऑर्डर है हमारा, खाने में अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ हमें अभी मेनू चार्ट में नज़र आई है, कुछ चीज़ें और फिर सभी ने मिल के एक ही प्रकार का भोजन मंगवाया है, और उसका आनंद लेते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। धन्यवाद गाइस, हम रात को 9 बजे तक मेहंदीपुर बालाजी पहुंच गए थे, और हमने रात में 9 बजे बालाजी के दर्शन कर लिए थे, और वहां पे काफ़ी भीड़ होने के कारण हम वीडियो नहीं बना पाए। तो गाइस, अभी टाइम हो रहा है लगभग 8:30 बज चुके हैं, और हम निकल गए हैं आगरा के लिए, और अब आपको आगरा की लाइव तस्वीरें देखने को मिलेगी। वहाँ की जो भी स्थिति है हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तो गाइज, हमने आगरा सिटी में एंट्री ले ली है, और ये अवंती भाई लोधा की प्रतिमा बनी हुई है। और आगे बढ़ते हैं आगरा में प्रसिद्ध ताजमहल पैलेस की ओर। गाइज, हम पहुंच गए हैं ताजमहल के समीप, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर और रह गया है ताजमहल, और आगे के बारे में आपको इकराम जी बताएंगे। हम पहुँच चुके हैं आगरा, अब जा रहे हैं हम ताजमहल के लिए, और हमने गाड़ी पार्किंग लगा दी है, और फिर अभी आपको लाइव ताजमहल का लाइव दिखाएंगे। वैसे यहाँ का तापमान बहुत अधिक है, बारिश क्या पता है 2-5 रोज हो गई हो, वैसे माहौल हो रहा है, और कुछ हमारे डॉक्टर साहब बोलेंगे अब क्या बोल रहे हैं, क्या होता है, ये कौन सी मशीन का नाम है। हाँ, वैसे ताजमहल मैंने पहले भी देख रखा है,
हमारे नए स्टाफ के साथ। आज 14 अगस्त होने के कारण भारत सरकार ने प्रसिद्ध जो भी पैलेस है उसमें कोई चार्ज नहीं है देखने के लिए, एकदम फ्री कर रखा है। तो गाइज आज काफ़ी संख्या में पर्यटक आए हुए हैं, लगभग 10-20 लाख लोग यहाँ देखने के लिए आए हैं। तो 4 घंटे तक हमने भी ताजमहल देखने के लिए वेट किया है और हम फाइनली हम भी ताजमहल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइज आप भी हमारे साथ बने रहिए, यहाँ का बहुत ही शानदार नज़ारा है। ये प्रवेश द्वार है ताजमहल के अंदर जाने के लिए, बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल है, एकदम लाल पत्थर से बना हुआ है पूरा का पूरा। तो गाइज ताजमहल का निर्माण सन 1632 में सम्राट शाहजहाँ द्वारा अपनी प्रिय बेगम मुमताज की याद में बनाया गया है। ये मकबरा बहुत ही प्रसिद्ध है। तो गाइज आपको बता दूं कि ताजमहल का बनाया गया है मुगल सम्राट आकर्षक शाहजहाँ द्वारा 1632 ईस्वी में अपने सबसे प्रिय बेगम मुमताज की याद में बनाया गया है। इसका निर्माण सफ़ेद संगमरमर पत्थर से किया गया है जो बहुत ही आकर्षित लगता है। ताजमहल यह आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। हेलो और कहाँ से इस कल है 15 अगस्त, तो आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। Thank you.
तो गाइज काफ़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक ताजमहल को देखने आए हैं। तो गाइज हमने भी ताजमहल देख लिया है और अब हम प्रस्थान कर रहे हैं। तो गाइज ये बाहर आने का गेट है और हम निकल चुके हैं ताजमहल से। तो गाइज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।